नमस्कार मित्रों, हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने चैनल वो मालूम पर। हम आपके लिए बहुत अधिक विषयों पर बहुत अधिक सामग्री ला चुके हैं। मित्रों, आपके अनुरोधों पर हम काम करते हैं, लेकिन आपने आज अनुरोध किया कंपूर हो जाएगा, ऐसा इसलिए संभव नहीं कि बहुत सारे अनुरोध हैं और अनुरोधों को हम आपकी भलाई के हिसाब से प्राथमिकता देते हैं। यदि कोई ऐसी चीज है जो सबके काम आएगी और सबको शीघ्र लाभ पहुंचाने में वो अच्छा काम करती है और उस समय उस चीज से जुड़ा लाभ पहुंचना चाहिए, तो हम पहले बोलें। तो मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप कर रहे हैं, 8000 से ऊपर पहुंच चुके हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार से कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे। मित्रों, शत्रु आज के समय में बन ही जाते हैं, मित्र बनते हैं, शत्रु भी बनते हैं। हमारी आपको राय मित्र देख बनाइए, शत्रु ना बन सके तभी अच्छा है, लेकिन फिर भी बन ही जाते हैं। कुछ लोगों को परेशानी होती है, आपसे जबरदस्ती वो जले कुढ़े रहते हैं, चिढ़े रहते हैं और जबरदस्ती आपको हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो शत्रुओं को कैसे मात दी जाए, शत्रुओं पर विजय कैसे पाई जाए, शत्रु मारण, शत्रु बुद्धि स्तंभन, बहुत सारे हम उपाय बता चुके हैं। आज मैं आपको बताता हूँ शत्रु पर विजय पाने का उपाय। अभी शत्रु पर विजय पाने का अर्थ क्या हो, मतलब शत्रु जो चाल चलेगा वो मात खाएगा, कैसे मैं आपको बताता हूँ। प्याज और लहसुन को जड़ सहित ले आए, किसी खेत से ले आए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जहां से आपको उपलब्ध हो सके वहां से ले आए। और ये काम जड़ से उखाड़ने के बाद जितनी जल्दी कर सके करें, क्योंकि तब आपको ज्यादा मात्रा में अर्थ मिलेगा। करना क्या है मित्रों, की उन दोनों को पीस कर, पूरा पीस दे, जड़ सहित आप उखाड़ना है पूरा पौधा, पूरा पौधा प्याज और लहसुन का आप पीस लें, पीस के उसका रस निकाल लें, फिर इस रस को एक तांबे के पात्र में डाल लें और उस तांबे के पात्र में हड़ताल नाम की जड़ी को घिसे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन घिसिए। घिसने के बाद जब जड़ी आपको लगे पर्याप्त घिस गई है, तो उसका छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रख लें और जितना संभव हो सके इसे मुंह में रखे रहें। जितने लंबे समय तक आप मुंह में रखेंगे उतना आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। लेकिन एक तो बात बताना भूल ही गए, इस उपाय से पहले एक और उपाय करना होता है। इससे पहले किर कांटे का अर्थ पिए, ये किर कांटा आपको कहाँ मिलेगा, आयुर्वेदिक सामान बेचने वालों के यहाँ मिलता है। किर कांटे का अर्थ पिए और इस अनुष्ठान को करते हुए भी आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, ये चलते बढ़ते जपते रहिएगा तो आपको कहीं अधिक लाभ होगा। मन में जपते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बुदबुदाते रहिए, बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं, लेकिन इसे जपते रहिए। कोई आवश्यक नहीं है, मतलब जब समय मिले तब आपने जप लिया, इस तरीके से मंत्र है ओम चामुंडे भवे दी, बड़ा छोटा सा मंत्र है, इसे जपते रहिए, आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी और आपके शत्रु समाप्त हो जाए, रहे ही नहीं, सभी आपके मित्र बन जाए, ऐसी हमारी कामना है। फिर मिलेंगे मित्रों।